गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले दिनों में अपनी छोटी बेटी टीना के लिए ख्वाब देखा। मैं उसके लिए पहले बहुत परेशान थी, मैं रोती थी, और मेरा बेटा थर्ड नंबर पे है, उसका नाम अरफान है और लंदन में है। मैंने उसके साथ रात को शेयर किया कि मैं टीना के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो खुदावंद में आ जाए। लेकिन उसने कहा, मामा आप फिक्र ना करें, वो ज़रूर खुदावंद में आएगी, उसका दिल थोड़ा सख्त है, खुदावंद उसके दिल को नरम करेगा और वो ज़रूर खुदावंद के कदमों में आएगी। और मैं खुदावंद के पुलपट पे खड़ी हूँ, खुदावंद की हजूरी में हूँ। मैंने उसी रात ख्वाब देखा कि मेरी बेटी बहुत ऊंची ऊंची दुआ कर रही है, और जब मैंने उसको ख्वाब में इस तरह देखा तो वो दुआ नहीं करती, तो मैं बहुत खुश हुई। तो दूसरे दिन मैंने अपने बेटे को बताया कि मैंने कहा कि अरफान, इस तरह का मुझे ख्वाब आया कि मैंने टीना को देखा है कि वो बहुत ऊंची दुआ कर रही है। तो उसने कहा, मामा आपकी जो परेशानी थी खुदा ने हल कर दी है, वो खुदा के कदमों में आएगी। थोड़े दिनों के बाद मैं उसके घर गई तो उसने मुझे ख्वाब बताया। उसने कहा कि मामा, मैंने अपने आप को इस तरह देखा है कि बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे तैयार कर रही हैं, आप इस ख्वाब पे गौर करना, कि मुझे तैयार कर रही, मुझे मेहंदी लगा रही, मुझे कपड़े पहना रही, मुझे दुल्हन बना रही हैं। और उसने कहा कि मेरे कपड़े लेके खड़ी हैं और मुझे मेहंदी लगा रही हैं, और मैं समझ गई कि ये जिस्मानी ख्वाब नहीं है। और उसने कहा कि मुझे मेहंदी लगाई जा रही है और मेरे कपड़े लड़कियों के पास हैं, तो मैं कह रही हूँ कि ये कपड़े मेरे कपड़े लेके क्यों खड़ी हैं। और उसने कहा कि एकदम मुझे एक इस तरह का कुछ साया नज़र आया और वो मेरे अंदर दाखिल हुआ और मैं ऊंची ऊंची दुआ करना शुरू हो गई। और उसने कहा कि मामा, मुझे नहीं समझ आती ये ख्वाब का मतलब क्या है, लेकिन ईमानदार लोग जो हैं वो ख्वाब रोया को पहचान जाते हैं। फिर उसने इसी तरह मुझे ख्वाब बताया कि मामा, मैं पानी देखती हूँ और इस तरह मैं ढूंढती हूँ पानी, और आप मुझे मिली हैं और आप कहती हैं कि टीना पानी है ना, आप बपतिस्मा लेना चाहती हो तो ले लो। तो इसने कहा कि ये पानी गंदा है। तो फिर मैंने कहा इसको, इसके कहती कि ख्वाब में आपने मुझे कहा कि नहीं पानी होना चाहिए, इसने फिर भी बपतिस्मा नहीं लिया। फिर इसको ख्वाब आया कि इसके, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसको इसके डैडी मिले और उनका, टीना आप बपतिस्मा लेना चाहती हैं तो आपकी माँ आपके पास बैठी है, आप क्यों नहीं लेते। मेरी टीना मेरे साथ इतनी अटैच नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी खिदमत के लिए अपने बच्चे छोड़ने पड़े। तो टीना ने मुझे कहा कि मामा, मुझे ये ख्वाब आया कि मुझे डैडी ने कहा, मेरे बाप ने कहा है कि टीना आपने बपतिस्मा लेना है तो तेरी माँ ये बैठी और पास्टर बैठी है, आप बपतिस्मा क्यों नहीं लेती। तो तब इसने मेरे साथ ये बात शेयर की और खुदा ने मेरी ख्वाब को पूरा किया, टीना हमारे दरमियान है, टीना ने बपतिस्मा लिया और आज ईमानदारों की जमात में है। खुदा का शुक्र मैं करती हूँ कि आज वो ईमानदार बच्ची है, ईमानदारों में शामिल है, खुदा के शाही फिरका में शामिल होगी, उसकी राहें बदल गई, उसकी सोचें बदल गई, उसका दिल बदल गया। और मैं इस बात बहुत खुश हूँ कि खुदा ने पहले से ही मुझे दिखा दिया कि टीना उन ख्वाब में दुआ कर रही जिसके लिए मैं परेशान थी, खुदा ने कहा तू परेशान ना हो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और खुदा ने उसके दिल को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया जो हमारे दिलों को चेंज करता है।